everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snips Biology. So in this video we will discuss 100 most important questions from animal diversity. Okay, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका अबाउट क्लासिफिकेशन ऑन एनिमल्स. ओके, देन द फाइलम पोरीफेरा, निडारिया, प्लैटीहेल्मिंथस, आस्क हेल्मिंथस एंड योर एनेलिडा. ओके, बाकी जो बच गए वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो ये डिस्कस करने से पहले मैं शाउट आउट देनी चाहूँगी फॉर द एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट टू वीडियो टू सोनली बेहरा, राजकिशोर स्वाई, गीतांजलि नियाल, प्रियव्रत सेन, लिटन क्रिएशन एंड मोनालिसा. ओके, और बायोकेमिस्ट्री वीडियो के लिए मैं शाउट आउट देनी चाहूँगी सौम्य श्रीदास, मीम वाला, कीर्ति पाढ़ी, देव जगत, राजकिशोर स्वाई, धर्मेश कुमार मोहंती, शिल्पा रानी पंडा एंड संगीता परिडा. ओके, तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आंसर दे रहे हो और हमें बता रहे हो कि हम कहाँ पे गलत हैं. ओके, कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई कोई आंसर हमारा गलत हो जाता है, तो आप वो बता रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू वेरी मच. इस तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम. तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. तो कम टू क्वेश्चन नंबर 1. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? क्या गलत है? ऑप्शन ए, द बॉडी सेल्स ऑफ एनिमल फॉर्म टिश्यूज. यस, सेल्स फॉर्म टिश्यू. ओके, देन एनिमल्स गेट कार्बन एंड एनर्जी बाय इंजेस्टिंग अदर ऑर्गेनिजम्स. दैट्स ट्रू. एनिमल्स आर मोटाइल, पोजेस एक्टिव मूवमेंट ड्यूरिंग सम स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. यस, देन मियोटिक सेल डिविजन ट्रांसफॉर्म द एनिमल जाइगोट इन टू अ मल्टी सेल्युलर एम्ब्रियो. ओके, इज इट ट्रू? नो. ओके, तो सही क्या होगा? मल्टी सेल्युलर एम्ब्रियो दिया है तो कौन सा डिविजन होगा? कॉमेंट सेक्शन में बताओ. वेरी इजी क्वेश्चन है कि नहीं? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2. द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जेस इज. ओके, सेल्युलर ग्रेड, सेल टिश्यू ग्रेड, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड या फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड. क्या होगा? स्पॉन्ज में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? आपका सेल्युलर. ओके, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज शोन बाय स्पॉन्जेस, निडारियंस एंड फ्लैटवर्म्स या फिर फ्लैटवर्म्स एंड राउंडवर्म्स या फिर राउंडवर्म्स एंड अर्थवर्म्स. क्या होगा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ निडारियंस एंड फ्लैटवर्म्स. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4. रेडियल सिमेट्री अकर्स इन. ओके, व्हाट इज रेडियल सिमेट्री, व्हाट इज बाइलेटरल सिमेट्री. ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. ओके, और भी बहुत सारे टाइप तरह के सिमेट्री होते हैं, लेकिन ये दो आप मुझे बताओ. नेक्स्ट, इसका आपका ऑप्शंस क्या है? पोरीफेरा या फिर पोरीफेरा एंड सिलेंडरेटा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, सिलेंडरेटा एंड एकाइनोडर्माटा या फिर सिलेंडरेटा एंड प्लैटीहेल्मिंथस. तो रेडियल सिमेट्री अकर्स इन योर सिलेंटरेटा एंड एकाइनोडर्माटा. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटाजोआन फाइला आर ग्रुप्ड अंडर द रेडियाटा. ओके, रेडियाटा के अंदर इनमें से कौन से मेटाजोआन फाइलम आते हैं? ओके, आर्थ्रोपोडा एंड पोरीफेरा या फिर निडारिया एंड टेनोफोरा या फिर मोलस्का एंड सिलेंटरेटा या फिर मोलस्का एंड एकाइनोडर्माटा. ओके, तो याद रखो. ओके, रेडियाटा के अंदर में आपका आता है निडारिया एंड टेनोफोरा. ओके, दीज आर द मेटाजोन फाइला विच कम अंडर रेडियाटा. तो क्वेश्चन नंबर 6. एनिमल्स विथ रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट एंड बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा आर. इस तरह के ऑप्शंस तो सही नहीं होंगे, है कि नहीं? एनेलिड्स तो एक सही हो सकता है, राइट? ये एक ऑप्शन हो सकता है. बी सी डी में जो ऑप्शंस हैं, क्या वो रेलिवेंट है ये क्वेश्चन से? नहीं. ओके, तो मैं बदल देती हूँ, बी को बदल देती हूँ एकाइनोडर्म से. ओके, एकाइनोडर्म्स. फिर सी को बदल देती हूँ सिलेंटरेटा. क्लियर? एंड डी को बदल देती हूँ मैं प्लैटीहेल्मिंथस में. ओके, तो अभी बताओ कि क्या होगा आप लोगों का आंसर.
एनलिडा, एकाइनोडर्माटा, सिलेंटरेटा या फिर प्लैटीहेल्मिंथेस। एडल्ट में दिखाई देता है रेडियल सिमेट्री, लार्वल स्टेज में दिखाई देता है बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, तो किस तरह के एनिमल्स होते हैं वो? दे आर योर एकाइनोडर्म्स। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? मैं चेंज की हूँ ऑप्शन। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग व्हिच स्टेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्राइमरी जर्म लेयर्स अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके, प्राइमरी जर्म लेयर्स कौन से स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कौन से स्टेज में फर्स्ट अपीयर होते हैं? जाइगोट स्टेज, मोरुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज या फिर ब्लास्टुला स्टेज? तो देखो, ये जाइगोट, मोरुला, गैस्ट्रुला एंड ब्लास्टुला, ये सब के एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, है कि नहीं? क्लियर? तो वो फीचर क्या है वो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है। मोरुला स्टेज में सेल कैसे दिखाई देता है? ओके, सेल तो नहीं, पूरा एम्ब्रायो। ओके, फिर गैस्ट्रुला में कैसे और ब्लास्टुला में कैसे? ओके, बताओ। क्लियर? तो देखो, इसका आंसर आपका क्या होगा? प्राइमरी जर्म लेयर अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन व्हिच स्टेज? इन योर गैस्ट्रुला स्टेज। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लोब्लास्टिक? ओके, हाइड्रा, पैलेमोन, फैसियोला या फिर फेरेटिमा? क्या होगा? हाइड्रा। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर यूसिलोमेट्स, स्किज़ोसिलोमेट्स, रेडियली सिमेट्रिकल या फिर बाइलेटरली सिमेट्रिकल? क्या होंगे? दीज आर योर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10। द सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म इज फर्स्ट सीन इन स्पॉन्जेस, जेलीफिशेस, एनालिड्स या फिर राउंड वर्म्स? क्या होगा? आपका एनालिड्स। क्लियर? मेटामेरिज्म पहले एनालिड्स में दिखाई दिया था। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ग्रुप कंटेन्स एन एनिमल दैट इज नॉट सीडोसिलोमेट? ओके, नॉट सीडोसिलोमेट पूछा है। ओके, एस्करिस्टिनिया, एस्करिस एंड साइक्लोस्टोमा या फिर एंटेरोबायस उचेरेरिया या फिर अनसाइक्लोस्टोमा ड्रैनक्यूनक्यूलस? ओके, तो क्या होगा? आपका आंसर ऑप्शन ए। ओके, इसमें आपका एक एनिमल है विच इज नॉट स्यूडोसिलोमेट। ओके, तो विच वन, एस्करिस और टीनिया या फिर बोथ? बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके, तो देखो, सिलोम का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी, राइट? ये मैं बता दी। तो मुझे बताओ कि व्हाट इज सिलोमेट, व्हाट इज असिलोमेट एंड व्हाट इज स्यूडोसिलोमेट? ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 12। हीमोसील इज फाउंड इन हाइड्रा एंड ऑरेलिया, टीनिया एंड एस्करिस, पेरीप्लैनेटा एंड पिला या फिर बैलेनोक्लोसिस एंड हर्डमानिया? ओके, हीमोसील इनमें से किस में दिखाई देता है? आपका पेरीप्लैनेटा एंड पिला। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइला आर इंक्लूडेड इन एंटेरोजोआ? ओके, एनालिडा, मोलिस्का, पोरिफेरा, पोरिफेरा आर्थ्रोपोडा, मोलिस्का, मॉलिस्का एर्थ्रोपोडा हेमिकॉर्डाटा या फिर एकाइनोडर्माटा हेमिकॉर्डाटा एंड पोरिफेरा? ओके, तो इनमें से क्या एंटेरोजोआ फाइलम के, सॉरी, एंटेरोजोआ के अंडर इनमें से कौन कौन से फाइलम आते हैं? ओके, तो मॉलिस्का आपका आएगा, आर्थ्रोपोडा आएगा, हेमिकॉर्डाटा आएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स डिफर इन टाइप ऑफ क्लीवेज, ओरिजिन ऑफ माउथ एंड एनस, मोड ऑफ सिलम फॉर्मेशन या फिर ऑल ऑफ द एबव? क्या होगा? आपका ऑल ऑफ द एबव। ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि प्रोटोस्टोम को ड्यूटेरोस्टोम से अलग करते हैं। क्लीवेज टाइप, आपका माउथ एंड एनस का ओरिजिन और सिलम फॉर्मेशन का मोड। ओके, ऑल ऑफ द एबव इज द आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 15। एम्ब्रायोलॉजिकली स्पीकिंग सिलोम अराइजेस फ्रॉम अस प्लेट इन द मेसोडर्मल बैंड्स, प्लेट्स और मैसेस इन? ओके, ये आपका एक पीसीएस एग्जाम में आया था। तो ऑप्शन देखो, नेमाटोडा, सम कॉर्डाटा, प्लैटीहेल्मिंथेस या फिर मोस्ट प्रोटोस्टोमिया। ओके, तो एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम देखें
तो सिलोम आपका मेसोडर्मल सेल में एक स्प्लिट से अराइज हुआ है। ओके, मेसोडर्मल मेसोडर्मल बैंड हो, प्लेट हो या फिर मैसेस हो, उसमें स्प्लिट होके वहां से अराइज हुआ है। तो किन किस में अराइज हुआ है? नेमाटोडा में, स्कॉडेटे में, या फिर प्लैटिहेल्मिंथेस में, या फिर प्रोटोस्टोमिया में? तो क्या होगा आपका आंसर? मोस्ट प्रोटोस्टोमिया। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज ड्यूटेरोस्टोम? इनमें से क्या एक ड्यूटेरोस्टोम है? एस्टरिस, होलोथुरिया, एंटीडॉन या फिर ऑल ऑफ दीज? ओके, क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। ओके, सारे के सारे सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। मैं आंसर बता दूंगी लेकिन आपको बताना है कि कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं। ओके, तो देखो ऑप्शंस, डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, फ्लैट फिश, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है ग्लो वर्म, सिल्क वर्म, हाउस फ्लाई, बेडबग। ऑप्शन सी में है सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर, सी फैन या फिर सी लायन। ऑप्शन डी में है सेंटीपेड, अर्थवर्म, कैटरपिलर, शिपवर्म। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, दैट इज ग्लो वर्म, सिल्क वर्म, हाउस फ्लाई एंड बेड बग। तो आप बताओ कि जो चारों के चारों ये एनिमल्स हैं वो कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? हाइड्रा एंड एस्केरिस, एस्केरिस एंड फेरेटिमा, एस्केरिस एंड ऑरिक्टोलैगस या फिर हाइड्रा एंड ऑरिक्टोलैगस। ओके, क्या होगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? ओके, वो इनमें से कौन कौन शो करते हैं? तो दैट इज शोन बाय योर एस्केरिस एंड ऑरिक्टोलैगस। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे पूछा है स्किज़ोसिलोमेट्स एंड एंटेरोसिलोमेट्स आर असिलोमेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ट्रू सिलोमेट्स या फिर एकाइनोडर्म्स ओनली। ओके, सो दीज आर व्हाट? योर ट्रू सिलोमेट्स। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 20। In understanding different types of symmetry, the term used as principal axis means, okay? तो जो सब symmetry के बारे में जाने हो तो पता होगा कि एक principal axis होता है, उस basis से हम decide करते हैं कि symmetry किस तरह का है कि नहीं। तो ये क्या आपका है principal axis? What does it mean? It is a flat area that runs through any axis. An imaginary straight line joining two opposite points at the ends, an imaginary straight line joining the midpoint at one end and the midpoint at the opposite end, ya fir an animal having its body parts arranged in such a manner to exhibit symmetry. Okay, to kya hoga iska answer? It is an imaginary line which joins the midpoint at one end and the midpoint at the opposite end. Okay, so option C is the correct answer. Clear? Next come to question number 21. Triploblastic unsegmented oscillomate exhibiting bilateral symmetry and reproducing both asexually and sexually with some parasitic forms. The above description is characteristic of the phylum. Okay, so dekho, triploblastic hai, सेगमेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, असिलोमेट है, सिमेट्री कैसा है? बाइलेटरल है। रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल, एंड देर आर सम पैरासाइट्स आल्सो इन दिस फाइलम। तो कौन सा फाइलम है ये? आपका प्लैटिहेल्मिंथेस। ओके, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेस्ट द रिलेटेडनेस ऑफ टू स्पीसीज? दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, तो वो जानने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? वट इज़ द बेस्ट वे? ओके, एंटीबॉडीज एंड ट्रांसपोजॉन्स, आर एन ए एंड प्रोटीन्स, डी एन ए एंड प्रोटीन्स या फिर नन ऑफ दीज? ओके, तो क्या होगा? इफ
we test their DNA and proteins, then we can what? Test the relatedness of these two species. Okay. Option C is the correct answer. Clear? Next, come to question number 23. Secondary body cavity with segmented mesodermal lining is called hemocoel, neurocoel, pseudocoel या फिर trocoelom. क्या बोलेंगे हम उसे? हम बोलेंगे क्या? Trocoelom. Okay. Option D is the correct answer. Clear? Now come to question number 24. Choose the correct pair. Okay. तो metamerism mollusks, triploblastic sponges, metagenesis echinoderms, radial symmetry cylinderates, coelomates as helminthes. Okay. मतलब आपका कुछ characteristic features दिया हुआ है. Okay. और बाद में आपका phylum का नाम दे दिया है. Okay. राइट तो क्या होगा करेक्ट पेयर क्या है इनमें से आपका सिलेंटरेट्स ओके दे शो रेडियल सिमेट्री तो बाकियों का क्या होगा ये बताना आपका काम है ओके तो बताओ कि बाकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं ओके किस फाइलम के या फिर किस क्लास के ऑर्गेनिज्म शो करते हैं ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 25 Mouth develops first in the embryo and anus is formed later in. Okay. पहले mouth develop होता है embryo में, फिर anus form होता है. Okay. तो किस में? Caudate में, echinoderms या फिर protostomes या फिर deuterostomes. क्या है? This is the characteristic feature of protostomes. Okay. Clear? Option C is the correct answer. Next come to question number 26. Members of phylum Porifera are all marine, all freshwater, mostly freshwater and few marine, mostly marine and few freshwater. Okay. So these are what? Mostly marine and some are your freshwater. Clear? Option D is the correct answer. Next question number 27. In sponges, prosopile is. Okay. Prosopile sponges mein kya karta hai? Ya phir kya hai? It is the contractile element at the osculum. It is the cell at the opening of incurrent canal. Ya phir it is the cell. These are the cells which form lining of spongocoel. Ya phir this is a small canal which connects the incurrent canal with the radial canal. Kya hoga? Option D. Okay. Prosopile is a small canal which connects the incurrent canal with the radial canal. Okay. Clear? Next come to question number 28. Which type of cells are capable of giving rise to other types of sponges? Thesocytes, colencytes, archaeocytes या फिर pinnocytes. Okay, क्या होगा? 28 का answer archaeocytes. Okay, option C is the correct answer. Next come to question number 29. In sponges, the diameter of ostia is regulated by myocytes, sporocytes, guanocytes, pinnocytes. क्या होगा ऑस्टिया का डायमीटर कौन रेगुलेट करता है स्पॉन्जेस में योर मायोसाइट्स ओके क्लियर तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना तो अगर आप लोगों का फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो बहुत सारा आपको टर्म्स में डाउट्स होंगे ओके तो या तो आप गूगल में वो सर्च कर सकते हो या फिर अगर नहीं मिल रहा है हमें पूछ सकते हो ओके गूगल में सर्च करने की भी कोई जरूरत नहीं है हम बता सकते हैं आप लोगों को क्लियर मैं टर्म्स की बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि अगर आपको पता नहीं है तो आपको बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं ओके तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30 सेल्स ऑफ विच क्रिएट वाटर करेंट एंड इंजेस्ट फूड इन ल्यूकोसोलेनिया एंड अदर स्पॉन्जेस ओके पोरोसाइट्स पिनोकोसाइट्स ट्रोफोसाइट्स या फिर क्वानोसाइट्स क्या होगा आपका क्वानोसाइट्स ओके Next 31, animals devoid of respiratory, excretory and circulatory organs are, इनमें से कुछ भी organs इनमें नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, sponges में नहीं होता है कि नहीं, option A is the correct answer. Next come to question number 32, a larval canal system of sponge is, ascon, ragon, cycon या फिर leucon, क्या होगा आपका option B, that is ragon, clear? Next come to question number 33.
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पॉन्ज. ओके, इनमें से क्या एक स्पॉन्ज नहीं है? साइकॉन, क्लियोना, स्पॉन्जिकोला या फिर फेरोनेमा. क्या होगा आपका? स्पॉन्जिकोला. स्पॉन्ज आता है इसके नाम में, लेकिन ये एक स्पॉन्ज नहीं है. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 34. एंडोस्केलेटन इज ऑफ स्पॉन्जेस इज मेड अप ऑफ. एंडोस्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस इज मेड अप ऑफ. ओके, बोन, कार्टिलेज, कैल्करियस स्पिक्यूल्स या फिर कैल्करियस और सिलिसियस स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स और ओनली स्पॉन्जिन फाइबर्स. ओके, ऑप्शन डी कैन बी द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन डी. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 35. स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन साइकॉन, यू स्पॉन्जिया, हार्डमनिया एंड साइकॉन या फिर साइकॉन एंड यू स्पॉन्जिया. क्या होगा आपका? ऑप्शन सी. ओके, दैट इज हार्डमनिया एंड साइकॉन. क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 36. ग्लास स्पॉन्जेस बिलोंग टू द क्लास कैल्करिया, डेमोस्पॉन्जिए, टेट्राक्टेनिलिडा या फिर हेक्साक्टेनिलिडा. ओके, तो क्या होगा? ग्लास स्पॉन्जेस, दे बिलोंग टू हेक्साक्टेनिलिडा. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 37. गेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस इज हेल्पफुल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, only dissemination या फिर none of these. So it is helpful in what? Asexual reproduction. Okay, not sexual. Clear? Next come to question number 38. Solitary hypothetical ancestral stage of sponge is Ragon, Leucon, Oscarella या फिर Olynthus. Solitary and hypothetical ancestral stage. Okay, तो क्या है sponge का? आपका Olynthus. Okay, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 39. सिक्स रेड स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन ओलिंथस, ल्यूकोसोलेनिया, यूप्लेक्टेला या फिर डेमोस्पॉन्जिए. सिक्स रेड स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन योर यूप्लेक्टेला. ओके, ऑप्शन सी. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 40. द कॉस्टलीस्ट एंड फाइनेस्ट टर्किश बाथ स्पॉन्ज इज. ओके, क्या है वो? हिपोस्पॉन्जिया या फिर स्पॉन्जिया ऑफिसिनलिस या फिर यूप्लेक्टेला एस्पर्जिलम या फिर हेलोनेमा लॉन्गिसिमम. क्या होगा 40 का आंसर? आपका स्पॉन्जिया ऑफिसिनलिस. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द कॉस्टलीस्ट एंड फाइनेस्ट टर्किश बैथ स्पॉन्ज. ओके, ऑप्शन बी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 41. टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस वुड यू प्लेस ल्यूकोसोलेनिया. ओके, कौन से क्लास में आता है ल्यूकोसोलेनिया? आपका कैल्करिया में. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में. विच वन ऑफ दिस इज रेफर टू आज वीनस फ्लावर बास्केट. ओके, साइकॉन, क्लियोना, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला या फिर प्रोटेरियन. तो वीनस फ्लावर बास्केट हम बोलते हैं आपका यूप्लेक्टेला को. ओके, तो व्हाई? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 43. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज? स्पॉन्जिला, ऑस्करेला, फेरोनेमा या फिर हेलोनेमा. फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इनमें से क्या है? मतलब एक होगा फ्रेश, बाकी का मराइन है कि नहीं? तो देखो 43 का आंसर आपका हो जाएगा स्पॉन्जिला. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 44. सिलेंटरेट्स डिफर फ्रॉम अदर एनिमल्स इन हैविंग स्केलेटन, नेमाटोसिस्ट, पॉलीमॉर्फिज्म या फिर बायलेटरल सिमेट्री. सिलेंटरेट्स डिफर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स इन हैविंग नेमाटोसिस्ट. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? मतलब फॉल्स, फॉल्स है. ओके, गलत है. कोरल रीफ्स अकर इन ट्रॉपिकल सीज, इट्स ट्रू. द निडारिया हैव टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो ट्रू. देन एंथोजोआ हैव नो मेड्यूसा इन द लाइफ साइकिल, ट्रू. मतलब यही गलत होगा, ऑप्शन डी. नेमाटोसिस्ट आर ट्रिगर्ड बाय मैकेनिकल स्टिमुली ओनली, नो. ओके, ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर. सॉरी, करेक्ट आंसर बट रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 46. Ephyra is the larva of Obelia, Aurelia, Physalia या फिर sea anemone.
किसका लार्वा है? फायरा आपका, ऑरेलिया का. ओके नेक्स्ट 47. इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरेलिया द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लार्वल स्टेज इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं. ओके तो लार्वल स्टेज के नाम जो है, मैं आपको बोली भी थी कि याद रखना जरूरी है बोल के, है कि नहीं? तो देखो, एफायरा, स्काइफोस्टोमा, प्लैन्यूला, या फिर स्काइफोस्टोमा, एफायरा, प्लैन्यूला, प्लैन्यूला, स्काइफोस्टोमा, एफायरा, या फिर स्काइफोस्टोमा, प्लैन्यूला, एफायरा, ये तीन ही है. तो देखो क्या होगा आपका आंसर. पहले आपका आएगा प्लैन्यूला, देन आपका आएगा स्काइफोस्टोमा, देन जाके आपका आएगा एफायरा. ओके क्लियर. तो कौन सा ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन सी. क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 48. स्टैटोसिस्ट्स आर फाउंड इन पैरामेशियम, ओबेलिया, अर्थवर्म, या फिर कॉकरोच. क्या होगा? दिस इज फाउंड इन ओबेलिया. ओके तो व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 49. An example of scyphozoa is catfish, jellyfish, silverfish, या फिर cuttlefish. क्या होगा 49 का आंसर? आपका बी, jellyfish. ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 50. A coral island with a central shallow lake is known as. क्या बोलते हैं हम उसे? Atoll. ओके ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 51. Zoo chlorella is a symbiont in gut of hydra, a symbiont in gut of cockroach, या फिर an intracellular symbiont in hydra, या फिर an intracellular symbiont in leucosolenia. क्या? This is an intracellular symbiont in hydra. Okay? Option C is the correct answer. Next come to question number 52. The epitheliomuscular cells of hydra occur in epidermis, gastrodermis, both of these, या फिर none of these. क्या होगा आपका? बोथ ऑफ दिस. क्लियर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके बोथ ऑफ दिस. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 53. लीनियर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अकर्स इन हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, या फिर बोथ ए एंड बी. क्या? लीनियर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अकर इन बोथ व्हाट? योर हाइड्रोजोआ एज वेल एज स्काइफोजोआ. ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. हाइड्रा कैप्चर्स द विक्टिम बाय इंजेक्टिंग द केमिकल कैलियोटॉक्सिन, हीमोजोइन, हिप्नोटॉक्सिन, या फिर टॉक्सोप्लाज्मिन. क्या है? कौन सा केमिकल वो इंजेक्ट करता है टू कैप्चर इट्स विक्टिम? क्या? आपका हिप्नोटॉक्सिन. ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 55. A hydra has the simplest form of nervous system for integrating the function of the body. It is called as what? Your nerve net system. Okay? Option A is the correct answer. Next question number 56. Organ pipe coral is fungia, astrea, tubipora, ya fir heliopora. Kya hoga? Aapka tubipora. Organ pipe coral ise bolte hain, tubipora ko. Okay? Next 57. Precious red coral used in jewelry is favia, astrea, corallium, या फिर meandria. क्या है आपका? Corallium. Okay? This is very precious red coral which is used in jewelry making. Okay? Next come to question number 58. Scyphozoan medusa is होगा, us हो गया है, more commonly known as sea pen, obelia, sea urchin, या फिर jellyfish. It is most commonly known as what? Your jellyfish. Clear? Next, come to question number 59. Looping and somersaulting types of locomotion are seen in. तो आपको मुझे comment section में बताना है कि what is this looping type of locomotion and what is this somersaulting type of locomotion. Okay? तो ये आपका दिखाई देता है hydra में. Clear? Next question number 60. In contrast to annelida, the platyhelminthes show radial symmetry, bilateral symmetry, absence of body cavity, या फिर presence of pseudocele. It shows what? Your absence of body cavity. Okay. Now come to question number 61.
पिक अप द करेक्टली मैच्ड, इनमें से क्या सही है. ओके, ब्लबर, कंगारू, फ्लेम सेल, फ्लैटवर्म, मार्सुपियम, प्लेटिपस या फिर वाटर वास्कुलर सिस्टम स्पॉन्ज. क्या है आपका? फ्लैटवर्म में दिखाई देता है फ्लेम सेल्स. ओके, 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. तो बाकी का क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या गलत है क्या सही होगा. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 62. इन फ्लैटवर्म्स विटेलारियम इज जनरली फाउंड एसोसिएटेड विथ. विटेलारियम फ्लैटवर्म में किसके साथ एसोसिएटेड होता है? आपका ओवरी के साथ. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्कॉलेक्स? टीनिया एंड लिवर फ्लूक, टीनिया एंड एकाइनोकोकस, प्लानेरिया एंड डिपिलिडियम, फैसियोला एंड स्किटोसोमा. ओके, तो क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन बी, दैट इज टीनिया एंड एकाइनोकोकस. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 64. रीजनरेशन पावर कैन बी बेस्ट स्टडीड इन ऑर्थोर मास्करिस, ड्यूगेसिया या फिर प्लानेरिया या फिर आपका एम्फियोक्सिस. क्या होगा आपका? प्लानेरिया. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 65. लॉरस कैनल इज फाउंड इन एस्करिस, सी हॉर्स, सी एनिमोन या फिर फैसियोला. इट इज फाउंड इन व्हाट? फैसियोला. फैसियोला हेपाटिका, राइट. नेक्स्ट 66. ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फैसियोला हेपाटिका इन्फेक्ट्स इट्स इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वल स्टेज रेस्पेक्टिवली. ओके, पहले हम इंटरमीडिएट होस्ट के होस्ट का लिखेंगे, उसके बाद हम प्राइमरी होस्ट का लिखेंगे. ओके, लार्वल स्टेज, क्लियर. तो देखो क्या होगा इंटरमीडिएट होस्ट के लिए, आपका होगा मीरासीडियम. ओके, एंड प्राइमरी होस्ट के लिए आपका होगा मेटासरकरिया. ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में. व्हिच लार्वल फॉर्म ऑफ स्किटोस्ट्रोमा एंटर्स द स्नेल? रेडिया, सरकरिया, मीरासीडियम या फिर स्पोरोसिस्ट. क्या होगा आपका? मीरासीडियम. ओके, ऑप्शन सी. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 68. सकर्स इन टेप वॉर्म हेल्प इन लोकोमोशन, अटैचमेंट, सकिंग, नरिशमेंट या फिर क्लीनिंग द म्यूकोजा ऑफ होस्ट. इट हेल्प्स इन अटैचमेंट. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 69. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स गुड, गुड नहीं ये फूड होगा. ओके, बट हैज नो एलिमेंटरी कैनल. ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक आपका हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक. तो इनमें से क्या फूड तो लेता है लेकिन उसका कोई एलिमेंटरी कैनल नहीं है. तो क्या है वो आपका? टीनिया, टीनिया सोलेम. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 70. टीनिया सोलियम लीव्स डिराइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स, ग्लाइकोजन या फिर न्यूक्लिक एसिड्स. क्या होगा आपका? ग्लाइकोजन. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 71. ब्लैडर वॉर्म स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम इज स्ट्रोबिला, रोस्टेला या फिर सिस्टिसर्कस या फिर ऑंकोस्फियर. क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, दैट इज सिस्टी सर्कस. ओके, नेक्स्ट 72. फ्लेम सेल्स फॉर्म बुकलॉन्ग, ग्रीन ग्लैंड, मेटानेफ्रिडिया या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट फॉर्म्स व्हाट? योर प्रोटोनेफ्रिडिया. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 73. प्लैटीहेल्मिंथस आर जनरली पैरासाइट्स. ओके, दैट्स ट्रू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज एग्जेम्प्टेड. ओके, तो कौन से क्लास में पैरासाइट्स दिखाई नहीं देते? मोनोजेनिया या फिर टर्बेलरिया या फिर एस्पिडोगैस्टिडे या फिर मोनोपिस्थोकोटिले. ओके, तो क्या होगा 73 का आंसर? आपका टर्बेलरिया. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 74. अ सीलोम डिराइव फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज. जो सीलोम ब्लास्टोसील से डिराइव होता है हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं स्यूडोसील. ओके, एक तो मैं बता भी दी, राइट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट इज कॉमन बिटवीन एस्करिस लुम्ब्रिकॉइड्स एंड एनोफिलिस स्टेफेंसी. इन दोनों में कॉमन क्या है? हाइबरनेशन, मेटामोरिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन.
इन दोनों में कॉमन है, कॉमन फीचर है आपका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 76। फीमेल एस्करिस डिफर्स फ्रॉम मेल इन हैविंग कर्व टेल, पीनियल सिटे, लॉन्गर बॉडी या फिर नन ऑफ दिस? लॉन्गर बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल इन एस्करिस इज, पहले क्या आएगा? पहले तो क्यूटिकल आएगा, है कि नहीं? फिर आपका आएगा एपिडर्मिस, ओके, फिर आपका आएगा लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, ओके, सर्कुलर मसल लेयर नहीं आएगा, क्लियर? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन एस्करिस कंसर्न विथ केमोरिसेप्शन? ओके, केमोरिसेप्शन के लिए एस्करिस में क्या है? आपका एम्फिड्स, है कि नहीं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 79। द फर्स्ट स्टेज लार्वा ऑफ एस्करिस इज क्या है? आपका रैबिडिटी फॉर्म। ओके, जो लार्वा का नाम है ना, वो याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 80। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्करिस क्या है? एडल्ट फर्टिलाइज्ड एग या फिर सेकेंड स्टेज लार्वा या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग? क्या होगा? आपका सेकेंड स्टेज लार्वा। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 81, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रूट थ्रू विच डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एस्करिस सीरियली पास इन मैन? ओके, तो फर्स्ट क्या होगा? आउटसाइड। ओके, फर्स्ट होगा आपका आउटसाइड, देन फिर आएगा इंटेस्टाइन, देन लीवर, ओके, देन आपका आएगा हार्ट, देन आएगा आपका लंग्स, देन इंटेस्टाइन अगेन एंड देन आउटसाइड। ओके, तो कि कौन सा ऑप्शन में है ये? आपका इंटेस्टाइन वाला ऑप्शन एक ही है। ओके, ऑप्शन ए, राइट, आउटसाइड के बाद इंटेस्टाइन एक में ही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ हुकवर्म? बेड बग, मॉस्किटो, सैंड फ्लाई या फिर नन ऑफ दिस? हुकवर्म का सेकेंडरी होस्ट कौन है? इनमें से कोई भी नहीं। ओके, तो क्या होगा आपका आंसर? कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नहीं बोलने वाली। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 83। मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन अमीबा प्रोटीएस कलाइजर? नहीं। ओके, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी फाइलेरियासिस? ट्रू। लेशमानिया डोनोवानी स्लीपिंग सिकनेस? नो। एनोफिलिस मैक्यूलिपेनिस येलो फीवर? नो। ओके, तो सही तो ये मिल गया, लेकिन बाकी के वजह से क्या बीमारी होता है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 84। वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी कॉजेस ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल? Has only one host, is a flat form in blood, या फिर none of the above? Okay, तो it causes blockage of lymphatic vessel. Okay, option A is the correct answer. Clear? Next, आते हैं 85 में। Gunia worm is a parasite in man which invades. तो क्या invade करता है? Small intestine, lymphatic vessel, colon and rectum या फिर subcutaneous connective tissue? It invades the subcutaneous connective tissue. Okay. Next, 86. Which one of the following life cycle stages of Wuchereria bancrofti is infective to man? कौन सा stage? आपका third stage larva. Okay. It is infective to man. Clear? Next, come to question number 87. Name the character of phylum Aschelminthes which differentiates it from other phyla of kingdom Animalia. Okay, मतलब Aschelminthes में क्या characteristic feature है जो उसे अलग से दूसरों से separate करता है? Okay, अलग करता है। Parasitic mode, round in shape या फिर pseudocoelomate या फिर bilateral symmetry? क्या होगा आपका? Pseudocoelomate. It is pseudocoelomate. Okay, organisms are pseudocoelomate. Next, come to question number 88. In evolution, dash evolved first time in Annelida. क्या? आपका true silom. Okay. Next question number 89. Which one of the following characterizes heteroneresis stage of Neris? Okay, heteroneresis stage of Neris.
very active sexual stage, asexual stage, sorry, quite inactive sexual stage with epitoke, which is very active, asexual stage with epitoke, which is very active. क्या होगा आपका sexual stage with epitoke, which is very active. Okay, 89 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. बर्ड्स आर पोइकिलोथर्मिक, फिशेस आर रेडियली सिमेट्रिकल, फ्लैट वर्म्स आर सिलोमिक एनिमल्स, या फिर अर्थ वर्म इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड. क्या होगा ऑप्शन डी, राइट, अर्थ वर्म इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड. ओके, तो बाकी के तीनों जो है वो क्या सही होगा. व्हाट आर द बर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ सिमेट्री इज शोन इन फिशेस, ओके, शोन बाय फिशेस, एंड फ्लैट वर्म्स किस तरह के एनिमल हैं, असिलोमिक, सिलोमिक या फिर सिडोसिलोमिक, बताओ. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 91. स्पर्मेटिकल पोर्स इन फ्रेटिमा आर फाउंड इन द इंटरसेगमेंटल ग्रुप्स. ओके, कौन कौन से दो सेगमेंट के ग्रुप में हमारे जो अर्थवर्म है उसका स्पर्मेटिकल पोर्स दिखाई देता है, क्या 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 92. इन अर्थवर्म सिटे आर प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट्स एक्सेप्ट. ओके, फर्स्ट सेगमेंट, फर्स्ट एंड द क्लाइटेलम, फर्स्ट एंड द लास्ट सेगमेंट, या फिर फर्स्ट क्लाइटेलम एंड द लास्ट सेगमेंट्स, या फिर क्लाइटेलम एंड लास्ट सेगमेंट. क्या होगा आपका ऑप्शन डी, फर्स्ट क्लाइटेलम एंड लास्ट सेगमेंट, इनको छोड़ के बाकी सब में आपका सिटे प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 93. क्लोरागोजेन सेल्स ऑफ अर्थवर्म्स आर एनालोगस टू वर्टिब्रेट, गट, लिवर, लंग्स, या फिर किडनीज. ओके, दो चीज होते हैं, होमोलॉजी एनालॉजी, है कि नहीं. तो व्हाट आर दिस, ओके, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, व्हाट आर दिस, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. ओके, तो जो क्लोरागोजेन सेल्स होते हैं अर्थवर्म के, दे आर एनालोगस टू द वर्टिब्रेट लीवर. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 94. इन अर्थवर्म द क्रोमोफिल सेल्स सर्व टू स्टोर फैट, सीक्रेट सलाइवा, सीक्रेट म्यूकस, या फिर दे रेगुलेट स्किन कलर. दे व्हाट, सीक्रेट सलाइवा. ओके, क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल मे बी कंसिडर्ड एज ट्रू हार्ट इन अर्थवर्म. क्या आपका डॉर्सल ब्लड वेसल, ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज द ट्रू हार्ट फॉर अर्थवर्म. ओके, 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. देन 96. हाउ मेनी लिम्फ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फेरेटिमा. कितना, मेनी, थ्री पेयर्स, मतलब थ्री पेयर्स मतलब सिक्स, फोर पेयर्स मतलब एट, नाइन पेयर्स मतलब 18. ओके, तो क्या होगा 96 का आंसर, मेनी. ओके, मेनी लिम्फ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फेरेटिमा. क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 97. Earthworm obtain oxygen for respiration through moist skin. Yes, they do not have respiratory organs because why they don't have the respiratory organs? They respire through their moist skin because they are burrowing, या फिर they do not need them, या फिर there is no sufficient space for such organ, या फिर absorptive area of earthworm is more than its volume. Why? Because absorptive area of earthworm is more than its volume. Okay. Next question number 98. Paired spermatheca occur in feretima in segments. Okay, कौन से segment में होते हैं, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, या फिर 3, 4, 5, 6. They occur in your 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9. Okay, option C is the correct answer. Clear. Next come to question number 99. Suckers of leech are located at anterior and posterior ends of the body. Anterior ends of the body, posterior ends of the body, या फिर all over the body. क्या होगा आपका anterior and posterior end of the body. Okay, suckers in leech are located here. Clear. Next, come to last question of this set. Which one of the following is correctly matched regarding earthworm? Okay, तो यहाँ पे कुछ organ दिए गए हैं. Okay, और वो कौन से segments में है वो बताए गए हैं, है कि नहीं. तो देखो, बॉकल कैविटी फर्स्ट टू फिफ्थ सेगमेंट, नो, टिफ्लोसोल 26 टू 95th सेगमेंट, यस, इट्स ट्रू. क्लियर. फिर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, गिजार्ड 6 टू 8 सेगमेंट, फॉल्स. स्टोमक 11th टू 12th सेगमेंट, फॉल्स.
testis 10th to 14th segment falls. Okay, तो सही क्या होगा वो आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में. ओके, इनमें से कौन से ऑर्गन अर्थवर्म में प्रेजेंट होते हैं, कौन से नहीं, या फिर अगर प्रेजेंट है तो कौन से सेगमेंट से लेकर कौन से सेगमेंट तक वो प्रेजेंट है. क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स योर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द फाइलम पोरिफेरा, निडारिया, प्लैटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस एंड एनेलिडा. ओके, तो बाकी के जो बच गए इंक्लूडिंग योर कॉर्डेटा वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम वो देखेंगे. क्लियर? तो तब तक हमारे साथ बने रहिए. ओके, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ओके, एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट फर्गेट टू प्रेस दैट बेल आइकन ऑल्सो. ओके, वो बेल आइकन अगर आप दबाते हो, ऑल सिलेक्ट करते हो, तो हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं जब भी कोई भी नया वीडियो आता है वो आपको नोटिफाई हो जाएगा. ओके, यू विल गेट नोटिफाइड. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि कल, दैट मीन्स ऑन सैटरडे, वी आर कमिंग लाइव. ओके, एट 7 PM ऑन यूट्यूब एंड एट 8 PM ऑन व्हाट, योर इंस्टाग्राम. ओके, सो डू जॉइन अस देयर एंड आस्क अस क्वेश्चंस अबाउट योर CPET 2021 एग्जाम प्रिपरेशन, या फिर नोटिफिकेशन, या फिर आपका जो सिलेबस है, क्या डाउट है अभी भी. ओके, हम तो सब बताए थे, फिर भी अगर कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क अस क्वेश्चंस. ओके, सो वी होप आवर वीडियोस आर हेल्पिंग यू अ लॉट. ओके, आवर मेन मोटिव इज टू मेक यू कॉन्फिडेंट एंड क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स. थैंक यू.